हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा रहने वाला है टॉपिक ब्रिक्स। ब्रिक के साइज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, क्वेरीज बहुत थी हमारी कि सर स्टैंडर्ड साइज़ ऑफ ब्रिक क्या होता है, मॉडुलर साइज़ क्या होता है, नॉमिनल साइज़ क्या होता है, सर ट्रेडिशनल साइज़ ऑफ ब्रिक क्या होता है। और यहाँ पर फंक्शन ऑफ रॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैनी टाइम्स SSC में पूछा गया है, RRB को में पूछा गया है, आपके UPSC में भी पूछा जा चुका है। जितने भी इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं वहाँ पर साइज ऑफ ब्रिक्स इंटरव्यू में भी, इवन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक, ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक्स और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फ्रॉक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ें देखने वाले हैं। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से ध्यान दें, स्पेशली ध्यान देकर वीडियो देखें। तो ये हम बना दे रहे हैं एक ब्रिक। ये हो जा रही है हमारे ब्रिक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारा होता है यहाँ फ्रॉग। अब फ्रॉग प्रोवाइड क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड साइज की। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, वो पूछा जाता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक। ठीक है, जो भी ब्रिक आपकी मेजनरी में यूज होती है उसे मॉडुलर ब्रिक बोलते हैं। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि स्टैंडर्ड साइज अलग है, मॉडुलर साइज अलग है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक को ही हम मॉडुलर साइज भी बोलते हैं। ठीक है, इसी ये हमारा क्या रहता है। एक आपका अगला पूछ लेते हैं, नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज, तो अगर नॉमिनल साइज नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडुलर ब्रिक या मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक, तो आंसर आपका होगा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। कहीं पर अगर नॉमिनल साइज पूछ लेता है तो नॉमिनल साइज रहता है मॉडुलर ब्रिक प्लस किसके साथ में, मोर्टार। यानी कि जब भी हम ब्रिक को मेजनरी में यूज करेंगे मोर्टार के साथ में, तो उसका साइज जो होता है वो नॉमिनल साइज बोल देते हैं। उसकी वैल्यू होती है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से, ये तो हम लिख देते हैं 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक साइज और होता है हमारा ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक। तो ट्रेडिशनल साइज की अगर हम बात करें, ये पुरानी जो हमारी ब्रिक्स थी वे यूज़ होती थी 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। तो ये ट्रेडिशनल साइज होता था ब्रिक का। अभी हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रॉग। तो इसे बोलते हैं फ्रॉग। इसकी जो डेप्थ होती है इसकी 1 to 2.5 सेंटीमीटर। इसकी हमारे जो फ्रॉग की लेंथ होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर, और इसकी फ्रॉग की विड्थ जो होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग का फंक्शन क्या है, बेसिकली इट प्रोवाइड्स होल्डिंग, इट इज़ प्रोवाइडेड फॉर होल्डिंग ऑफ द मोर्टार, फर्स्ट थिंग। दूसरा, यहाँ पर आप जो आपके किल्न्स होते हैं उसके ओनर के नाम भी हम इसमें प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा, ये आपका मोर्टार को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ध्यान रखें, इस जब भी हम मेसनरी में ब्रिक लगाते हैं उस टाइम हमें हमेशा फ्रॉग हमारा टॉप पे रहेगा और उसमें मोटार भरेंगे और आगे को ऊपर को कंस्ट्रक्शन ब्रिक जो मेजनरी वॉल है हमारी उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। जो फ्रॉग 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 टू 2.5 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है। और फ्रॉग का फंक्शन प्रोवाइड्स ए की होल्डिंग फॉर मोटार। ठीक है, सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये ब्रिक के नॉमिनल साइज और स्टैंडर्ड साइज से आप अच्छे से कर सकते हो। थैंक यू गाइज।